नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं आज की और इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। पीएम मोदी आज भोपाल एआईआईएम्स के लिए नए भवन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई, व्हाइट हाउस में हुआ सेलिब्रेशन। जेके अखनूर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का दूसरा दिन एक आतंकी ढेर। दिल्ली में आज सुबह 300 से नीचे आकर 274 पहुंचा औसत AQI। झारखंड और छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आप सांसद स्वाति मालीवाल को कोर्ट से राहत, 2 से 15 नवंबर तक US जाने की अनुमति। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, नरेंद्र लाल चंद जी को मीरा भयंदर से टिकट। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अंकुश व वैभव जैन को हाईकोर्ट से मिली जमानत। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, MNS में शामिल हुई तृप्ति सावंत। इसराइल ने गाजा में UN रिलीफ एजेंसी को बैन किया, कहा कर्मचारी हमास से मिले थे, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने खाने और दवाओं का संकट। SMS हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी में काम ठप, कंप्यूटर ऑपरेटरों ने किया बहिष्कार, OPD की पर्ची और जांचों की बिलिंग रुकी। लखनऊ में पंजाब के 2 शूटर गिरफ्तार, इंटरनेशनल गैंग के लिए काम करते थे, हत्या के मामले में चल रही थी खराब। PM ने 51,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे, कहा आप सेवक हैं, शासक नहीं, गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। केरल के कासरगोड में धमाका, 150 घायल, 8 गंभीर, आतिशबाजी के दौरान पटाखा गोदाम तक चिंगारी पहुंची, इसी से ब्लास्ट हुआ। मोदी 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन, देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी भी होगी लॉन्च, 11 एम्स में ड्रोन सर्विस शुरू। दिवाली पर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे होर्डिंग, योगी के बयान का मथुरा में RSS ने समर्थन किया, अब आगरा में लगे पोस्टर। CM योगी ने कहा बच्चों से चैंपियन बनोगे, लखनऊ में रन फॉर यूनिटी में दौड़े लोग, CM बोले राष्ट्रीय एकता का महत्व ज्यादा। अमेरिका के साथ सबसे अहम राज्यों में पिछड़ी कमला हैरिस, चुनाव में बस 7 दिन बाकी, ट्रंप विरोधी वोटरों को साथ। CM भजन लाल बोले हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरू, भरतपुर में PM वर्चुअली करेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। मैं सलमान खान को नहीं छोड़ूंगा, अभिनेता को धमकी देने वाला तैयब नोएडा से गिरफ्तार। फिलहाल के लिए टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।